को क्यों नहीं लेके आई? काश राजवीर भी होता हमारे साथ में, वो हमें डरावनी कहानियां सुनाता, गाने भी गाता और गिटार भी बजा देता। यार तुम्हें पता ही है वो राइटर है, सो उसे एक न्यू प्रोजेक्ट मिला है, उसी की स्टोरी में बिजी। डोंट वरी, वो जब आएगा नेक्स्ट टाइम उसे लेके चलेंगे पक्का। राजवीर नहीं आया तो क्या हुआ? मैं हूँ ना, मैं तुम्हें कहानियां सुनाऊंगा, मैं गिटार बजाऊंगा और गाना भी गाऊंगा। अरे यार मोहित, मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रही, मैं हम सबकी बात कर रही हूँ। अच्छा गाइस, ये रास्ता, ये पहाड़, ये घटाएं और ये हसीन वादियां, ये सब देखकर ना मुझे कहानी याद आ रही है। कौन सी कहानी? चंबल के पहाड़ों वाली भूत की कहानी। प्लीज मोहित, मुझे कोई डरावनी कहानी नहीं सुननी यार, मुझे बहुत डर लगता है, मत सुना मोहित, प्लीज रहने। मुझे तो डरावनी कहानियां बहुत पसंद है। सच में? अब तो ये पक्का सुनाएगा। सॉरी प्रियंका, कहानी तो सुननी पड़ेगी, लेकिन तू घबरा मत, मैं तेरे बाजू में बैठा हूँ, ओके? गर्मियों के मौसम में चहकती सुबह, 5 लोगों का ग्रुप, 3 लड़कियां और 2 लड़के, एक लंबी सड़क पे छोटी गाड़ी में ठंडी हवा के झोंके खाते हुए जा रहे होते अपने एक रहस्यमय ट्रिप पर। तू कहानी सुना रहा है या फिर हमारी बात कर रहा है? अरे कहानियां सुना रहा, पूरी सुन तो लो। फिर अचानक से बीच सड़क में उनकी गाड़ी में जोरों का ब्रेक लगता है और गाड़ी खराब हो जाती है। Fuck that shit यार। इतने अजीब तरीके से गाड़ी रुके यार, पहले ऐसे तो कभी हुआ नहीं। क्या हुआ यार? कितनी अजीब तरीके से रुकी है यार, आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। अभी ट्रिप पे आने से 3 दिन पहले ही मैंने इसकी सर्विसिंग कराई थी। चलो यार गाइस, एक बार उतर के बाहर जाके चेक कर लेते हैं क्या हुआ। गाइस यार कहां फंस गए हम सब? शिट यार गाइस, इसमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा यार। मोहित तू ना पनौती है, तूने बोला और सच में ब्रेक लग गए हमारी ट्रिप को, चूतिया साला। मुझे क्या गालियां दे रही है यार, मैं तो कहानी सुना रहा था, मुझे क्या पता था जो मैं बोलूंगा और वो हो जाएगा। मुझे थोड़ी ना पता था मेरे पास कोई मैजिकल पावर है जो मैं अब कुछ बोलूंगा और वो हो जाएगा। Come on guys, shut up, ऐसा होता है, मैंने काफी पढ़ा है, कुछ लोगों के पास ऐसी सुपरनेचुरल पावर्स होती है, उनकी कही हुई 99% बातें सच हो जाती है। यार गाइस तुम दोनों ना अपनी रिसर्च बंद करो और सोचो क्या करना है, यहाँ तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है आसपास, और वैसे भी मैकेनिक तो दूर की बात है, यहाँ तो आसपास कोई एक इंसान भी नहीं है। शिट यार गाइस, गाड़ी का कुछ नहीं हो पा रहा है यार। यार अब तो ना आगे जा सकते हैं ना पीछे, और यहाँ दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है यार। हमें इस तरफ चलना चाहिए यार, क्या पता कोई इंसान मिल जाए, किसी से कोई हेल्प मिल जाए। चलो अपने अपने बैग निकाल लो, फिर चलते हैं इस तरफ, क्या पता कोई उम्मीद की किरण मिल ही जाए। ओके। अब गाड़ी का तो कुछ हो नहीं पा रहा। गाइस यार ये सब हो क्या रहा है हमारे साथ? अभी 4 कदम पहले तक तो सब ठीक था यार, सब सूखा था, और अभी अचानक से ये सब पत्तियां गीली और ये पेड़ सब, बड़ा अजीब सा लग रहा है यार। What the fuck is happening with us? यार आद्विका मुझे ना बहुत डर लग रहा है, हम एक काम करते हैं ना यार, यहाँ से निकलते हैं, प्लीज यार प्लीज। थैंक्स यार, अभी ऐसा करते हैं आगे बढ़ते हैं, जो होगा वो देखा जाएगा। ओह शिट यार गाइस, क्या हो गया यार? मैं अपना फोन और वॉलेट तो गाड़ी में ही भूल आया। अरे यार जा मोहित, ये बैग पकड़ यार, मैं अभी आया, 2 मिनट में आया, भाग के जा।
गाइस गाइस इतना हाफ क्यों रहा है गाइस गाड़ी गाड़ी नहीं है वहां पे क्या क्या ऐसे कैसे जा सकती है तुमने ठीक से चेक तो किया था ना मैंने सब जगह चेक कर लिया यार कहीं नहीं मिली और सबसे बड़ी बात वहां सब सूखा था अभी कहीं तेरी गाड़ी कोई टार्जन तो नहीं है जो अपना बदला लेने गई हो अबे मोहित तू ना अपनी बकवास बंद कर यार तुमने गाड़ी ढूंढने के चक्कर में नोटिस नहीं किया होगा और वैसे भी हमें वहां से निकले हुए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं तो हो सकता है हमारी कार किसी ने चुरा ली हो मुझे लगता है ना कोई हमें फॉलो कर रहा है वो हमें दिख तो नहीं रहा लेकिन कोई है तो जरूर नहीं यार ये सब बकवास है ऐसा कुछ नहीं होता है गाइस अंधेरा बढ़ता ही जा रहा है हम ना पहले यहाँ से निकलते यहाँ से निकलते ही पुलिस कंप्लेन फाइल कर देंगे लेकिन पहले यहाँ से निकलते हैं ठीक है चलो पर यार तू टेंशन ले मत तू चल क्यों टेंशन ले रहा है वही तो एक बार और चेक करके आऊं क्या यहाँ पे अंधेरा हो रहा है बाद में देख लेंगे अभी चल बोला ना बाद में चल पुलिस कंप्लेंट करेंगे चल गाइस सुनो मेरी कहानी तो अधूरी रह गई अरे सुनना रहने का कुछ बंदोबस्त किया होता तो सही रहता उनकी गाड़ी खराब होने के बाद उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता फिर वो जंगल में चल ही रहे होते कि अचानक से एक लड़की के सामने एक डरावनी भूतनी गुड़िया आ गिरती है और फिर जोरों से चीखती है क्या हुआ व्हाट हैपेंड प्रियंका यार मैंने कहा था ना कि कोई हम पर ब्लैक मैजिक करना चाहता है यार ऐसी डॉल तो सिर्फ ब्लैक मैजिक में ही यूज होती है यार अरे यार ये ब्लैक मैजिक वगैरह कुछ नहीं होता है सब बकवास है तू पागल हो गई ये क्या यार तूने उसे फेंका क्यों वो कोई जानवर थोड़ी था जो मुझ पे अटैक करेगा इट वाज जस्ट अ डॉल कम ऑन बट गाइस ब्लैक मैजिक एंड नेगेटिव एनर्जीज एग्जिस्ट इन रियल गाइस एंड दे वर्क टू प्रियंका सही कह रही है इन सब चीजों को हाथ लगाने से पहले हमें 100 बार ही सोच लेना चाहिए था आई डोंट बिलीव इन एनी ब्लैक मैजिक और मैंने उस डॉल को हाथ लगाया देखो मैं तुम्हारे सामने सही सलामत खड़ी वैसे भी अंधेरा होने ही वाला है हमें चलना चाहिए यार मैं बहुत थक गई हूँ मुझे नहीं चला जाएगा अब और यहाँ दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा ना कोई शहर ना कोई गांव ना कोई लोग हाँ यार थक तो मैं भी बहुत गई हूँ भूख भी जोरों की लगी है तो ठीक है फिर गाइस कुछ देर यहीं रुक के आराम कर लेते हैं फिर देखते हैं आगे क्या करना है हाँ यार अरे राम गाइस तुम लोग बैठो मैं जरा पेड़ों को पानी देकर आता हूँ सीधा बोलना तुझे मूतने जाना है योगी निशा अद्विका प्रियंका चलो मेरे साथ चलो देखो वहां क्या है अब क्या हुआ तुझे फिर से कोई नई गुड़िया मिली क्या अरे नहीं यार वहां पे मेरे को एक झोपड़ा दिखा क्या बात कर रहे
तू बॉय? कहाँ गया मैं चूके? बहुत मजा आएगा। प्रियंका, 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 प्रियंका।